चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब तक की 19 राउंड खुले, अब तक हम कोई से राउंड में पीछे नहीं रहे। मदर भैया कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीतेंगे। सरकार ने भाईचारे को खत्म करना सोचा था, वहाँ से ही भाईचारा कायम होगा और वहाँ से इनका सफाया होगा। चलते हुए कदम रुक नहीं सकते, ये राष्ट्रीय लोकदल के शेर है, यहाँ झुक नहीं सकते। और बहुत खिल जाए कमल ममल, अब पूरी यूपी से बच जाएगा। नमस्कार साथियों, सीजे में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर के हम आरएलडी दफ्तर पर है। मैं आपको बता दूं, खतौली में अभी उपचुनाव हुआ था तो आज जो है वोटों की गिनती जारी है और सुबह से लेकर अब तक जो है मदन भैया आरएलडी उम्मीदवार सब आगे चल रहे हैं अब तक। तो हम अभी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या लग रहा है कि कितना आगे तक चलते रहेंगे वो। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद चौधरी। अच्छा जावेद जी, क्या लग रहा है जैसे अभी काउंटिंग जारी हो रही है, क्या काउंटिंग में ये है कि जी जीतते गए मदन भैया विधायक जीतते गए? किस तरह का माहौल दफ्तर में नजर आ रहा है अभी? दफ्तर में अच्छा माहौल नजर आ रहा है, खुशी का माहौल है दफ्तर में। आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे मदन भैया? कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीतेंगे। जी जी आपका नाम? वसीम चौधरी। अच्छा वसीम जी, क्या लग रहा है आपको? माहौल अच्छा नजर आ रहा है, क्षेत्र वासियों ने बढ़िया वोट दे रखी, सपोर्ट कर रखी है और हम अच्छा जीतेंगे, कम से कम 15-20 हज़ार वोट थे। अच्छा, लेकिन अभी योगी जी आए थे वो कह के गए थे 51 हज़ार से जो है राजकुमारी सैनी को जिता दो। योगी जी का कहने का ही काम है, वे तो कहते ही है पर हमें पता है हम जीत के जागे। जी आपका नाम? प्रभात मलिक जी। अच्छा जी, क्या लग रहा है अभी जो आज जो है काउंटिंग चल रही है, कितने राउंड हो गए हैं अभी? राउंड 19 कम्प्लीट हो गई जी। और आप ये देख सको जितना भी अब तक की 19 राउंड खुले, अब तक हम कोई से राउंड में पीछे नहीं रहे। इतना बड़ा जनाधार है, इतने आदमी हैं, तो आप देख सको कम से कम 15-20 हज़ार से जीत होगी। तो कितने कार्यकर्ता यहाँ पर जो है आ रहे हैं और मतलब कितने लोग अंदर बैठे हुए हैं? यहाँ तो ड्रोन भी फैला है जी। अच्छा हाँ, यहाँ तो ड्रोन भी फैला है इतनी संख्या। ये तो अपने वाहनों से अपना तेल खर्च कर का, इनमें इतना जुनून है अपना तेल खर्च कर का। बहुत से पार्टी का आदमी है, 500 रुपये आदमी करता है, डिब्बा देता है, डिब्बे आदमी जमा नहीं होते। तो ये तो भाई इनके कर का है, तो अपना खर्चा कर का है। बहुत आदमी है, अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। किन किन लोगों का साथ मिल रहा है इस चुनाव में आप? देखे 36 बिरादरी का हमें साथ है। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत मेहनत करे, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनका भी हमें समर्थन मिला और उनका समर्थन मिला उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाईचारे में सब काम हो रहा है, 36 बिरादरी हमारे साथ है। अच्छा, जो एक चिंगारी जो 2013 में जो लगी थी और ये वही सीट है जहाँ से मतलब जो है शुरुआत हुई थी कवाल गांव से और ये उसी विधानसभा में आता है, तो क्या वो चीज़ें लोगों ने नकार दी और अब नफरत की जो है राजनीति? देखिए वो चीज़ें तो जब ही नकार दी थी लोगों ने, ये तो भाजपा का एक एजेंडा बना हुआ है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यूँ जारी कर रखा। 2013 अभी योगी जी आए थे, हमें सोच रहे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमें कुछ देखा जाएंगे। युवा जितने भी थे सब टीवी पर निगाह थी सबकी, जो खिलाफ है उनके भी निगाह थी टीवी पर, कहते कुछ हमें देखा जाएंगे। 2013 के दंगों का ठाया काम, अरे योगी जी कुछ तो फायदा करके जाते, 2013 के दंगे भी जा लिए। भाई इस दुनिया में कोई आया हो हमें भाइयों को अलग नहीं कर सकता, हम एक ही पेट से पैदा हैं, एक ही पेट से। चाहे सोच लो कोई हिंदू मुस्लिम को उसमें तो दबाए नहीं गए थे कि यो आलू है यो मूली है, एक ही पेट से पैदा हुए वे सब। अब हम इनके चक्कर में नहीं आने के, हम सब भाई हैं और एक साथ चलेंगे। अच्छा प्रधान जी, क्या लग रहा है चुनाव जो रिजल्ट जो है मतगणना जारी हो रही है? जीत रहे, गठबंधन जीत रहा, भाईचारा जीत रहा। अच्छा, लेकिन जय चौधरी जीत रहा, चंद्रशेखर जीत रहा, अखिलेश जीत रहा। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री तो दावा कर गए कि 52 हज़ार से जीत रहे। मुख्यमंत्री तो 24 में भी कहीं दिखाई नहीं दे और ये तो 2022 में भी इन्होंने 100 सीट हटाने का काम करा, न गठबंधन अब कहीं आ रहा था और लेकिन अब क्या भाईचारा, जहाँ से इस सरकार ने भाईचारे को खत्म करना सोचा था वहाँ से ही भाईचारा कायम होगा और वहाँ से इनका सफाया होगा। अभी काउंटिंग जारी है, कुछ कह नहीं सकते। लट गाड़ रखा और जो योगी सरकार के पास क्या है आराम से देख लो, झूठे वादे इलेक्शनों में नीचे छोटे आदमी को वोटर को दबाना, उनकी पिटाई छिदाई करवाना, क्या है ये? ये एक मानवता का बिल्कुल हनन है, बेइज्जती करने वाली बात है। इलेक्शन लड़ो, छाती खोल कर लड़ो, पर जो इलेक्शन है उसकी तरह लड़ो। एक जो वो होते ना तानाशाही, उसके आधार पर इलेक्शन नहीं होगा इस हिंदुस्तान में, ना यूपी में होगा। ये तो एक मानवता को ठेस पहुंचाने वाली बात है। गंदी हरकतें हैं जो पुलिस वाले उनके बुजुर्गों के लाठी डंडे खून निकाले
कल उन पुलिस वाला का भी वहाँ कोई माँ बाप बुजुर्ग भाई बहन वोट गिर रहा होगा और उसके साथ ऐसा अत्याचार होगा तो तब उसके दिल में क्या गुजरेगी। अब अपने ऊपर लेके देखो ना, उन जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो भी वोट का अधिकार रखते हैं, वे उन्हें सुविधा देने की बजाय आप लोग लट बजा रहे हो, तो यह क्या संदेश देना चाह रहे हो कि तानाशाही का, अंग्रेजों की तानाशाही का संदेश देना चाह रहे हो? ये हिंदुस्तान है, इसने किसी को नहीं बख्शा, तानाशाही को तो बख्शता ही नहीं है। 2024 में लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का ही बनेगा यहाँ से। अभी आपने देखा होगा पांच जिले में 6 सीट है विधानसभा की, 6 में से 5 हमारी हो जाएगी, 1 सदर ही तो बची, आने वाले टाइम में सदर भी हमारी हो जाएगी और एमपी भी हमारा ही बनेगा। जी आपका नाम? अभी जावेद मेंबर पुराना। अभी आपने देखा भी होगा कि मिठाई भी चल चुकी है और ये चलते हुए कदम रुक नहीं सकते, ये राष्ट्रीय लोकदल के शेरे यहाँ झुक नहीं सकते और बहुत खिल जाए कमल ममल, अब पूरी यूपी से बच जाएगा और ना ये मुझे बनेगा जिला, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का डंका बच जाएगा। देखिए मैं जिला सचिव हूँ राष्ट्रीय लोकदल से और ये जो मदन भैया की जीत है, ये जीत विधानसभा उपचुनाव की नहीं है, ये लोकसभा की भी जीत है, आने वाले 2024 के चुनाव की भी जीत है। और ये चुनाव बहुत ही मेहनत से सभी बिरादरी ने मिलजुल के लड़ा है। लोकदल जोड़ने की राजनीति करता है, समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी जो है समाज को तोड़ने की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करते हैं। अब लोग समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं यहाँ ईमान पढ़े जाते हैं। ये मेरा मुल्क इसलिए मान है दोस्तों क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। मत पूछ मेरे सबर की इम्तहां कहाँ तक है और तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना ये है तू जालिम कहाँ तक है। अजीत त्यागी जी, बस ऐसा लग रहा है भाई साहब, अब हवा चल गई, आंधी आंधी चल गई, सुबह के तख्त नसी श्याम के मुर्जिम ठहरे, हमने चंद घंटों में ही तकदीर बदलती देगी, मिनटों में तकदीर बदलती देगी, हमने सुबह से इन्होंने रुक के तार रखे तक हमें जीत तक है, अब भाग बिगैत बीच में छोड़ दो, अरे ऐसा ही होगा, भाग गाग का तीनों सीटों पर हुई है मामला। अभी हम जो है मुजफ्फरनगर में रालोद कार्यालय पर थे तो यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो लोगों में काफी जोश नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि हम एक तरफा जीत रहे हैं और खतौली सीट पर जो है आरएलडी से मदन भैया जो है भारी बहुमत से जुड़े रहे। सीसी से खबरें आप तक आती रहेगी, धन्यवाद।